आज का ये अपडेट बीए पार्ट थर्ड में पढ़ रहे सभी स्टूडेंट के लिए है जो कि तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में अध्ययनरत थे। तो आप सभी ने अपने टीआर के माध्यम से अपना अपना रिजल्ट आवश्यक रूप से देख लिया होगा अपने कॉलेज जाके। और आज का जो अपडेट मैं आप सभी को देने जा रहा हूँ वो दो चीज़ें इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊँगा। और पहला जो चीज़ है वो कि आपका मार्कशीट से रिलेटेड है कि आपको मार्कशीट जो है आप सभी का मार्कशीट जो है अवेलेबल हो चुका है कॉलेज में और इसका मैं प्रूफ भी दूंगा। और दूसरा चीज़ आप सभी को जो मैं बताऊंगा वो पीजी के एडमिशन से रिलेटेड होगा। पीजी के एडमिशन मतलब जो भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन के बाद अपना एमकॉम या एमए या एमएससी करना चाह रहे हैं तो उनका एडमिशन का क्या प्रोसेस है, कितना शुल्क लगेगा, ये सभी चीज़ की चर्चा आज के इस वीडियो में होगी। और इसके साथ साथ आप सभी का सीएलसी जो कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट होता है वो भी आप सभी के कॉलेज में आ चुका है। तो आप सभी को जाके शीघ्र अतिशीघ्र अपना कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट और अपना परीक्षा परिणाम प्राप्त कर लेंगे ताकि आगे की पढ़ाई आप लोग कर पाएँ। और पीजी के एडमिशन में क्या क्या लगेगा, डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, और इसके बाद आप सभी को मार्कशीट उठाने में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, सीएलसी उठाने में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है आप सभी के कॉलेज में, इसकी चर्चा भी इस वीडियो में होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं अनंत विजय और आप देख रहे हैं एचडीसीटीसी चैनल। ये बीए पार्ट थर्ड का मार्कशीट है और एग्ज़ाम जो हुआ था 2019 से 22 के सत्र का वो जनवरी 2023 में हुआ था। और जैसा कि आप सभी को देख पा रहे हैं ये 2019 में इनका रजिस्ट्रेशन है और 19 से 22 इसका सत्र है। हालांकि ये स्टूडेंट भी टीएनबी कॉलेज के हैं और मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप सभी को जल्द से जल्द अपना मार्कशीट और सीएलसी कैसे आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो स्टूडेंट है ये भी आईआरपीएम ऑनर्स के ही स्टूडेंट है और हमारे चैनल से जुड़े हुए थे तो इनका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आया हुआ है। इन्होंने जो है फर्स्ट क्लास से उत्तीर्ण की है परीक्षा और कुल मिला के अगर बात करें तो ऑनर्स में इनका जो परसेंटेज है वो 69.5% है। और जो भी इस चैनल से जुड़े हुए थे जितने भी स्टूडेंट थे मैं उम्मीद करूंगा और आशा करूंगा कि आगे की पढ़ाई वो पीजी की पढ़ाई ज़रूर करेंगे और आगे भविष्य में कुछ अच्छा करेंगे। सबसे पहले बात कर लें मार्कशीट अगर आप लेना चाह रहे हैं अपने कॉलेज से तो आप किस प्रकार से ले सकते हैं। तो मार्कशीट अगर आप सभी को लेना है तो सबसे पहले अपने कॉलेज में जाइएगा और जो जाइएगा तो अपना ओरिजिनल एडमिट कार्ड जो कि पार्ट थर्ड का जो एडमिट कार्ड है आपका वो आप सभी को लेके जाना है। और इसके बाद अपने कॉलेज में संपर्क साधना है और कुछ काउंटर बने होते हैं मार्कशीट देने वाले तो वहाँ पे आप सभी को जाके वो एडमिट कार्ड प्रस्तुत करना है और अपना मार्कशीट ले लेना है। तो ये तो बहुत ही इजी था। चलिए अब दूसरी बात करते हैं कि सीएलसी आप सभी को किस प्रकार से मिलेगा। तो सीएलसी लेने के लिए आप सभी को सबसे पहला जो काम करना है वो आप सभी को सबसे पहले मार्कशीट उठाना होगा अपना। मार्कशीट प्राप्त करने के बाद उस मार्कशीट का फोटोकॉपी चाहिए आप सभी को। दूसरा चीज़ जो चाहिए आप सभी को वो आइडेंटिटी कार्ड होता है आपका, पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थर्ड किसी भी पार्ट का जो है आप सभी का आइडेंटिटी कार्ड चाहिए। और इसके अलावा आपका एडमिट कार्ड का फोटोकॉपी चाहिए। और इसके अतिरिक्त एक जो मूल काम आप सभी को करना है वो एक आवेदन पत्र लिखना होगा आप सभी को सीएलसी लेने के लिए कि मुझे सीएलसी की आवश्यकता है आगे की पढ़ाई करने के लिए। तो ये चार चीज़ आप सभी को सीएलसी की प्राप्ति के लिए ज़रूरी है, जिसमें पहला मैंने बताया कि आप सभी को पहले पार्ट थर्ड का मार्कशीट चाहिए, दूसरा आइडेंटिटी कार्ड चाहिए चाहे वो पार्ट वन का हो पार्ट टू का हो पार्ट थर्ड का हो, तीसरा जो बताया वो मैंने एडमिट कार्ड चाहिए आप सभी को पार्ट थर्ड का, और चौथा जो चीज़ बताया वो है आप सभी को आवेदन एक लिखना पड़ेगा कि प्राचार्य के नाम से। आप सभी को हमेशा आप लोग गलती करते हैं कि प्रधानाचार्य लिख देते हैं तो प्रधानाचार्य नहीं बोला जाता है, कॉलेज के जो भी हेड होते हैं उनका जो है हेड ऑफ कॉलेज होते हैं उनको प्राचार्य बोला जाता है। तो प्राचार्य के नाम से आप सभी को एक आवेदन भी लिखना होगा, ठीक है। तो ये रही सीएलसी की बात। अब बात कर लेते हैं पीजी की बात। तो पीजी में आप सभी का किस प्रकार से एडमिशन होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि पीजी में एडमिशन के लिए मात्र 165 रुपये का शुल्क जो है आप सभी से ऑनलाइन के माध्यम से लिया जा रहा है। अगर आप कैफे के थ्रू करते हैं तो 250 रुपये में आप सभी का जो है ऑनलाइन फॉर्म भर जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप अगर एमए एमएससी एमकॉम कुछ भी कर रहे हैं तो तीनों का ही जो है एक ही शुल्क रखा गया है 165 रुपये। और उसमें जो डॉक्यूमेंट आप सभी को रिक्वायरमेंट होगी वो पार्ट वन का आपका पहले 10th का रिजल्ट होगा, 12th का रिजल्ट होगा, इसके बाद पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थर्ड का जो भी सम्मिलित रूप से रिजल्ट मिला है आपको, पार्ट थर्ड में जो रिजल्ट मिला है उस रिजल्ट से आप सभी का काम हो जाएगा। इसके अलावा आप सभी को जाति अगर आप ओबीसी एससी एसटी कास्ट से आते हैं तो वो आपको डॉक्यूमेंट लग जाएगा। इसके अलावा आप सभी को जो लगने वाला है वो आपका आधार कार्ड है, वो आपका फ़ोटो है और आपका सिग्नेचर है। तो मैं आप सभी को फिर से बता देता हूँ पीजी में एडमिशन के लिए आप सभी को पार्ट थर्ड का रिजल्ट चाहिए, मार्कशीट चाहिए, इसके बाद 165 रुपये का शुल्क आप सभी को देना है,
जाति आय, जाति और आय अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप उसको दे सकते हैं। इसके अलावा फोटो लगेगा और सिग्नेचर लगेगा, इतने चीज़ आप सभी को लगने वाले हैं, और 10th और 12th का मार्कशीट भी लग रहा है यहाँ पे। तो इस प्रकार से 3 अपडेट मैं आप सभी को दिया हूँ, और अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हैं कि हम लोग का जो है 21 से 24 वाले सेशन का पार्ट 2 का एग्ज़ाम में रूटीन बहुत सारा आया हुआ है, तो मैं आप सभी को एक्यूरेट रूटीन कौन सा है वो बताऊँगा अगले वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं हूं अनंत विजय और आप देख रहे थे SGCTC चैनल।